To Cattle Market Karachi and Animal Stock Videos YouTube channel. Notification गई कि नहीं गई इसका मुझे बताइए, फिर आज का सेशन स्टार्ट करें. द मोस्ट अवेटेड न्यूज़ आज आपको, गुड न्यूज़ इंशाल्लाह, एक्साइटिंग न्यूज़, द मोस्ट एक्साइटिंग, द मोस्ट गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल द शॉपिंग्स आज आपको मैं सुनाने वाला हूँ. तो मुझे ये और कितने लोग हमारे साथ हैं कितने नहीं हैं कमेंट करके बताएंगे, नोटिफिकेशन मिली या नहीं मिली तो उसका ज़रा फिर हम आगे देखेंगे. ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी चल रही है, क्या सीन वगैरह चल रहा है. वालेकुम अस्सलाम दानियाल नूर, वालेकुम अस्सलाम राफे नाइफ, वालेकुम अस्सलाम एहसन इमरान. एहसन इमरान तुमने इतना तंग किया यार, आज बार 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 कमेंट कर रहे हो. तो वालेकुम अस्सलाम, तमाम दोस्तों का कमेंट्स तेज़ी से आना शुरू हो गए. 173 व्यूवर्स, 60 लाइक्स. जल्दी जल्दी लाइक भी करते रहें, थोड़े बहुत व्यूवर्स ज्वाइन हो जाएं तो फिर मैं गुड न्यूज़ इंशाल्लाह ब्रेक करता हूं. तो वालेकुम अस्सलाम तमाम दोस्तों को, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हसन इरफान. ठीक है, अच्छा जी, न्यूज़ क्या है, आप सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी कर रहे थे काफ़ी दिनों से. ठीक है, और अच्छा देखें अभी क्या है कि अभी एक वीडियो फेसबुक के ऊपर वायरल हुई है कि पहला ट्रक जो है वो निकल पड़ा है कराची आने के लिए. उसके बाद क्या कहते हैं, काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं और कॉल्स वगैरह भी की हैं ये कंफर्म करने के लिए कि भाई क्या सीन है मुजम्मिल भाई, और कमेंट्स तो वीडियोज़ पर आना शुरू हो गए. मैंने बोला चलें इस हवाले से आपको जो है मैं अपडेट देता चलूँ. तो जो व्यापारी भाई जो मेरे लिंक में थे, जिनसे मैं तकरीबन आपका अल्लाह भला करे एक डेढ़ हफ्ते से कर रहा था, उनको मैंने काफ़ी कॉलें करी. तो अभी वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था. लेकिन उन्होंने मुझे उस बंदे का नंबर दे के रखा हुआ था जो जिसका एक्सपेक्टेड था कि वो पहला ट्रक के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि उन्होंने तो आना है एक हफ्ते के बाद. लेकिन उन्होंने नंबर दे के मुझे रखा हुआ था, जो शेखुपुरा वाले भाई हैं कि जो पिछले साल भी लेकर आए थे पहला ट्रक. नाम बता देता हूँ चलें, अगर मुनासिब है तो बाबू भाई जो हैं वो, उनका नाम बाहू भाई करके उनको बुलाते हैं प्यार से ना. तो उन्होंने उनका मुझे नंबर दिया हुआ था, मैंने बाहू भाई को अभी कॉल करी है 5 मिनट पहले और मैंने उनसे कंफर्म किया है कि भाई आप लोग पहला ट्रक लेकर निकल गए कि नहीं निकले हैं, और एक वीडियो चल रही है फेसबुक के ऊपर कि पहला ट्रक लोड हो गया सोराब रोड के लिए. तो उन्होंने मुझे ये कन्फर्म कर दिया है कि बिल्कुल मुजम्मिल भाई हम जो है ना वो पहला ट्रक लेकर निकल गए हैं. फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं कब तक पहुंचेंगे सुबह कराची. तो उन्होंने बोला है भाई हम पहुंचेंगे तकरीबन 10 से 11 बजे तक. बाकी मैंने उनको बोला है कि मैं आपको फजर के बाद एक मरतबा दोबारा कॉल कर लूँगा आपसे कंफर्म करने के लिए कि भाई कहां तक पहुंचे और क्या सूरत हाल है. तो ये सीन है भाई. तो कंफर्म ट्रक ड्राइवर या जो ट्रक में बंदा बैठा हुआ है बाहू भाई, मैंने भी आपको बता दिया वो जो है उन्होंने तुम कन्फर्म किया है. बाकी दूसरे भाई जो है ना उसको भी मैं अभी दोबारा रब्ता करता हूँ ताकि थोड़ा जानवरों का भी पता चले ना कि कौन कौन से और कितने कितने जानवर हैं. ठीक है, बछियाएँ तो हैं उसके अंदर, लेकिन मैं चाह रहा था असल में कि पहले कुछ जानवरों का भी मुझे पता चल जाए कि किस. 741 व्यूअर हैं, काइंडली जल्दी से इसको लाइक कर दें ताकि उसके बाद जो है ना फिर हम आगे कंटिन्यू करें. इतनी बेहतरीन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दे रहा हूँ, मोस्ट अवेटेड न्यूज़ आपको दे रहा हूँ. तो सारे दोस्त जल्दी से पहले वीडियो को लाइक दें, रिपीट करता चलूं. अच्छा, मसले की बात यह है कि आज पूरा दिन भी जो है ना वो इंतज़ामिया ना वो आई नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से सेटअप हुआ नहीं है अभी सोराब रोड के अंदर. इंतज़ामिया का ऑफिस वगैरह बना नहीं है. ठीक है, तो इस सूरत हाल में जो है वो अब पहला ट्रक से बता रहा हूँ. ठीक है, और सुबह हो गया तो बिल्कुल भाइयों कल ही इंशाल्लाह पहला ट्रक आ रहा है. इस न्यूज़ की जो रिसोर्स है वो उसी ट्रक में जो एक बंदा मौजूद है उन्होंने जो है ना वो मुझे ये बताया है कि जो है ना वो पहला ट्रक जो है वो आ रहा है. ठीक है, तो सुबह 10 से 11 बजे तक इंशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम भजूरिया कैटल फॉर्म. और ये सारे एक कहानी है, हालांकि सुबह मेरा अम्मा कैटल फॉर्म पर शूट भी है, लेकिन पहले जाहिर बात है मैंने आपको वो पहले ट्रक की अनलोडिंग दिखानी है लाइव, और उसके बाद जो है मैं आपको वो दिखाऊँगा. अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि आज के दिन की मेरी तीसरी ये वीडियो हो गई है लाइव सेशन. तो एन मुमकिन है कि सुबह आप लोग को ना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी जब मैं सुबह लाइव सेशन स्टार्ट करूँगा सोराबगढ़ मंडी में.
तो भाई अगर नोटिफिकेशन नहीं मिले 10-11 बजे तक आप लोग चेक कर लीजिएगा चैनल जो है ना वो नोटिफिकेशन अगर अच्छा नहीं भी मिलती है ना तो आप मेरा चैनल अगर ओपन करेंगे तो उसके लोगों के नीचे लाइव आपको लिखा हुआ आ जाएगा, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि मैं लाइव आ चुका हूँ। सही है, अब तो आप जो है ना वो काइंडली चेक कर लेना हर थोड़ी देर बाद 10 से 11 बजे। मैंने आपको इस्टीमेटेड जो मुझे ट्रक में मौजूद बंदे ने टाइम बताया वही टाइम आपको मैं बता रहा हूँ। वीडियो को काइंडली 667 लोग अभी मौजूद हैं वो लाइक कर दें। वंस अगेन रिपीट करता चलूँ, सुलेमान वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो घर में मैं अभी बैठा हुआ था, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं जो है वो अभी जाऊँ सिर्फ ये एक उसके लिए क्योंकि एडिटिंग कर रहा हूँ, बल्कि एक वीडियो एडिट करके भी मैं अपलोड करने लगा था, एक फॉर्म की वीडियो थी वो मैं भी अपलोड करने लगा था, अपलोड हो गई थी, थंबनेल बना रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे ये न्यूज़ कंफर्म हुई ना मैंने वो वीडियो रोक दी कि उसको मैं कल की स्लॉट दूंगा, वो वीडियो कल अपलोड करेंगे। पहले मोस्ट अवेटेड न्यूज़ जो है आप लोगों को सुनानी है वो बेहतर है। तो वंस अगेन मेरी बात हो गई है, पहला ट्रक इंशाल्लाह कल सुबह आने वाला है और ये सारा सीन है। तो कौन कौन तैयार है शौकीन, ये मैं अगेन एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सुबह जो है ना वो शायद जब मैं लाइव सेशन अपना स्टार्ट करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, तो आपको थोड़ा सा एक फेवर करना होगा, कोशिश करनी होगी कि आप कैटल मार्केट कराची को अपने चैनल को खुद से ओपन करके देखना है 10-11 बजे के दरमियान में। ठीक है, और जैसे ही इंशाल्लाह पहला ट्रक आएगा लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। और बड़ा टफ दिन इंशाल्लाह, वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ भाई साद आसिफ, वेनसडे की मैं बात कर रहा हूँ, आज ट्यूसडे था कल वेनसडे है, कल सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान इंशाल्लाह सुबहाना व तआला पहला ट्रक आएगा। और दूसरी बात यह है कि मुबीन साहब का कल सुबह पेपर है मैट्रिक का, तो मुबीन साहब मेरे साथ होंगे नहीं तो मैं अकेले ही होऊंगा। शूट भी मैंने कल अकेले ही करने जाना था, अम्मा कैटल फॉर्म पे शूट था। खैर, तो अब सुबह जो है ना वो देखते हैं, टफ टास्क है, पहले पहली सोराबगढ़ मंडी की कवरेज देनी है, फिर दुआओं की दरखास्त है, हैं दुआओं की दरखास्त दुआओं है। की, तो बड़ी बिल्कुल खसूसी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि भाई तबीयत बे इंतहा ख़राब है मेरी भी, मुबीन के पाँव पे भी आज बछड़ा चढ़ गया था मलीर मंडी में, तो खसूसी तौर पे दुआओं की दरख्वास्त है। सुबह सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान, या क्या पता उससे पहले भी हो जाए, लेकिन मुझे जो ट्रक में भाई मौजूद हैं बाऊ भाई, उन्होंने 10 से 11 बजे का जो है ना वो टाइम मुझे बताया है, तो उनके बताने के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह 10 से 11 बजे तक एक्सपेक्टेड है, क्या पता उससे पहले आ जाए, क्या पता उससे भी लेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रक के अंदर माल आ रहा है, बीच में रोका जाता है, चुंगियों पे चेक होता है, तो ये सारा एक एक सिनेरियो होता है। ठीक है, अब यही तो एक सवाल है कि इंतज़ामिया के बगैर, जो लोग पूछें इंतज़ामिया के बगैर, यही एक सवाल है कि इंतज़ामिया के बगैर वो लेकर आ रहे हैं तो कैसे वो मैनेज करेंगे। ठीक है ना, ये सारी एक बात है। बाकी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो दुआएं दे रहे हैं, विश कर रहे हैं, लव यू ऑल गाइस। ठीक है, इसके अलावा खैर ये एक ही न्यूज़ थी, इसके अलावा कोई और न्यूज़ है नहीं, मैं 3-4-5 बार रिपीट कर चुका हूँ, लिहाजा मेरे ख्याल से लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो को। दुआओं की दरख्वास्त रहेगी, सुबह जो है ना इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं सोराबगोट काउ मंडी में। ठीक है ना, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो, पसंद क्यों नहीं आएगी यार, ये वीडियो पसंद नहीं आएगी तो फिर क्या पसंद आएगा यार। वीडियो लाइक ज़रूर करनी है और मज़ीद वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।